हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज की तरह आज की वीडियो आप लोग को पसंद आएगी तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और चलिए देख लेते हैं आज का नया वाला छोटा छोटा वीडियो। तो पहला वाला टिप्स मेरा ये है रिमोट को लेकर है। घर पे हमारी तरह तरह की रिमोट होती है, एसी रिमोट होती है, टीवी की रिमोट होती है और म्यूज़िक बॉक्स की रिमोट होती है, तरह तरह की रिमोट होती है। ये रिमोट घर पे सारे लोग हाथ लगाते हैं, सारे लोग हाथ में टच करते हैं, तो इसमें तो बहुत सारे कीटाणु रहेंगे, बहुत सारे डस्ट वगैरह भी होते हैं। तो इसको साफ करने का सबसे आसान तरीका है, घर पे जो टिशू रहता है टिशू लीजिए और जो हमारे हैंड जो हैंड सैनिटाइज़र होता है, हैंड सैनिटाइज़र से बड़ा अच्छा क्लीन और कोई करता नहीं। तो सैनिटाइज़र से हम दो तीन दिन में एक बार, नहीं तो डेली थोड़ा क्लीन कर लेंगे तो ये डस्ट वगैरह नहीं होगा और ये रिमोट के सारे बटन काम करेंगे और एक दूसरे की जो कीटाणु जो होते हैं एक दूसरे में नहीं फैलेंगे। और हमारी फ़ोन वगैरह सबसे ज़रूरी, तो सबसे गंदगी फ़ोन होती है, फ़ोन को भी हम ऐसे साफ कर लेंगे तो रोज़ रोज़ की जो कीटाणु वगैरह वो डस्ट वगैरह हमारे हाथ में लग के हमारे मुँह में नहीं जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक्स हमारी पैकेट को लेकर। इस तरह की जो हमारे पैकेट वगैरह हम लेकर आते हैं, कभी कभी ये होता है कि पैकेट को हम ठीक से काट नहीं पाते हैं, छुरी चाकू वगैरह सीजर वगैरह कुछ होता नहीं तो पैकेट को काट नहीं पाते और टेढ़ा मेढ़ा होके कटता है और सामान वगैरह गिर जाते हैं, ठीक से स्टोरेज भी नहीं हो पाती है। यहाँ पर देखिए मैं नेल कटर ले आई, नेल कटर से काट रही हूँ। नेल कटर हर घर में होती है नाखून काटने के लिए, तो इसको थोड़ा सा नेल कटर को धो लेंगे, साफ कर लेंगे और उसके बाद हम इस तरह से नेल कटर से सारे पैकेट वगैरह अच्छे से काट लेंगे। नेल कटर से कटने से ये होता है कि छोटा वाला होल होगा, बड़ा वाला नहीं होगा और सामान हमारा इधर उधर होके बिखरेगी नहीं और सामान इसको हम अच्छे से स्टोरेज कर सकेंगे रबर बैंड लगा के। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला हैक्स। यहाँ पे मैं डबल टेप ले आई। डबल टेप से क्या करेंगे हम, डबल टेप से बहुत सारा काम होती है दोस्तों। तो चलिए हम डबल टेप को दो पार्ट में काट लेते हैं, छोटे छोटे दो पीसेस में काट ली। आप चाहे तो थोड़ा बड़ा काट सकते हैं। और यहाँ पे ले आई ज्वेलरी बॉक्स। घर पे हमारे अक्सर ही बहुत सारे ज्वेलरी बॉक्सेस होते हैं, जो ज्वेलरी बैग होती है हम इधर उधर फेंक देते हैं, इधर उधर पड़ा रहता है, तो इसको हम बहुत ही अच्छे से काम पे आज लगाएंगे। बहुत ही ज़रूरी काम है, ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ पे मैं ज्वेलरी बॉक्स में लगा ली, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे घर पे जो बिजली की बिल होती है, बिल तो आती है जब हम इसको देख लेते हैं क्या बिल हुआ क्या कितना हुआ, तो तब इधर उधर फेंक देते, बिल को हम रख नहीं पाते हैं। और देखिए ये जो बिल हमेशा अक्सर हर काम में हर डॉक्यूमेंट में हमें चाहिए होती है, जब हम ढूंढते हैं बिल अक्सर हमें मिलती नहीं, इधर उधर हम ढूंढते रहते हैं लेकिन बिल मिलता नहीं है, तो ये बिल को हम अक्सर हर दिन के लिए हम रखेंगे इस बैग में, बिल को हम डाल देते। बिल ऐसा होता है कि हमेशा काम पे आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारी, तो चलिए इसको हम बैग के अंदर रख लिए। और चलिए इसको रखते कहाँ पे, तो मैं आ गई यहाँ पे फ्रिज के पास। फ्रिज एक ऐसी जगह है दोस्तों, हम अंदर तो सामान रखते बाहर भी रखते, और फ्रिज में दिन में ना हम 100 बार फ्रिज के पास ही आते क्योंकि फ्रिज से सामान निकालते हैं रखते हैं। और हमेशा हमारे घर पर देखेंगे आप, हर घर में फ्रिज के ऊपर सामान रहता है, फ्रिज के आगे हम कुछ चीज़ें चिपकाते हैं, फ्रिज के बगल में कुछ चिपकाते हैं, तो इस तरह से हम फ्रिज के बगल में इसको चिपका देते ताकि जब भी हमें बिल की ज़रूरत हो डॉक्यूमेंट वगैरह में कुछ भी काम वगैरह में हमें याद आएगा कि हमें फ्रिज के पास रखते हैं। मैं हमेशा ये बिल वगैरह और जो ग्रोसरी की सामान होती है उसके लिस्ट वगैरह कुछ भी वो बिल होती है मैं फ्रिज के पास रखती हूँ ताकि मिलने पर ढूंढने पर यह आसानी से मिल जाए। आई होप ये टिप्स और ये हैक्स आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हैक्स मेरी किचन से रिलेट करती है। तो ये सिंक एरिया है, किचन का सबसे अहम हिस्सा है, ज़रूरी जगह है। यहाँ पे हम बर्तन वगैरह साफ करते हैं, सब्जी वगैरह साफ करते हैं, सब कुछ किचन में यहाँ पे हम साफ करते हैं। साफ करने के बाद इसके ऊपर कचरा जमता है, तो इस कचरे को क्या करते हैं हम जाके डस्टबिन में डाल देते हैं और इस जो जाली को हम साफ कर देते हैं। साफ करने के बाद क्या करते हैं, इस जाली को हम रख देते हैं और सोने चले जाते हैं, रात का काम। लेकिन इसके नीचे ही सब कुछ फंस के रहता है, जो नीचे जाता नहीं ऊपर आता नहीं, वो बीच में झूल के रहता है और पानी को रोकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, घर पे जो कैंची होती है कैंची से इसको रात में थोड़ा इसके अंदर घुसा के कट लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा सारे होल में थोड़ा थोड़ा कट लगाएंगे ताकि जो चीज़ें झूल के रहता है जैसे कि हमारे साग वगैरह धनिया के पत्ते वगैरह और कभी कभी बाल भी इसके अंदर चले जाते हैं, ऐसे करके धागे वगैरह भी चले जाते हैं, वो फंस के रहती है और फंसने की वजह से पानी को अटक के रखता है, पानी नीचे जाता नहीं। इसको काटने के बाद पानी अच्छे से छोटे छोटे हो जाए टुकड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा
पानी इसमें फिर से धो देंगे, ये सारा कचरा नीचे चले जाएगी, आगे से पानी जम के नहीं रहेगी और सिंक की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी और पाइप की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आई होप आज का ये छोटा सा टिप्स है लेकिन आपको पसंद आए। हमारी ये बैट को लेकर है, मस्कीटो बैट, जो मच्छर भगाने के जो बैट हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं, अक्सर ये होती है कि हम बैट इसमें देखिए, ये हम ये मैंने स्विच बटन ऑन कर ली, ये टॉर्च लाइट लग गई और ऑन भी हो गई। ये अक्सर ये होते हैं, हम बैट को इधर उधर चार्ज पे लगा देते हैं, तो हम ये जब भी दिन में चार्ज लगाते हैं और रात को इस्तेमाल करते हैं, तो दिन में घर पे बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं और जब भी हम निकाल भी देते हैं ना ऐसे ही रख देते हैं, और बच्चों की हमेशा ध्यान इस बैट पर रहती है जो ये टेनिस बैट की तरह होती है, तो बच्चे खेलने के लिए अक्सर इसको उठाते हैं और उठाने के बाद ये जो बटन होती है ये बहुत अट्रैक्टिव एरिया होती है, जगह होती है, तो इसको भी बच्चे दबा लेते और अक्सर बच्चे यहाँ से करंट इन लोगों को लगती है। मेरे घर पे ये बहुत 2-3 बार हो चुका है, तो मैंने सोचा कि ये आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हर घर में बच्चे हैं तो हर घर में बैट भी होती है, अक्सर जब हम बैट को चार्ज पे बिठाएंगे नहीं तो चार्ज से निकालेंगे, इस तरह से कोई भी बैग हो कुछ भी हो हम इस एरिया को हम कवर कर देंगे और चार्ज लगाएंगे, नहीं तो निकाल दें निकालने के बाद भी कवर करके रखेंगे ताकि बच्चे हर्ट ना हो, बच्चों को करंट ना लगे। आई होप आज की वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ऐसे चैनल में बने रहिए, आप लोग के प्यार देते रहिए। चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट वाले अच्छे वाले टिप्स में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय।